हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। और आपको बड़ा कन्फ्यूजन रहता है कि यूपी टेट के लिए संविधान में कहां से पढ़ें, तो गारंटी देता हूं 100% फंसेगा, इससे बाहर नहीं जाएगा। अगर जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं ये पूरा पढ़ लेते हैं। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा, जिससे कि आपको नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन समय से मिलती रहे। बाल विकास, पर्यावरण अध्ययन पढ़ने के लिए आपको जो भी टॉपिक्स चाहिए होंगे, नीचे आपको प्लेलिस्ट दे दी जाएगी, आप वहां से पढ़ सकते हैं। तो बिना समय गवाए हुए अपने आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, सबसे पहले बात होगी जो जनरल नॉलेज है, शुरुआत में क्या होता है उसके बारे में बात होगी, कि संविधान कब बना, प्रथम बैठक कब हुई, उसके बाद अनुसूचियाँ हैं, भाग हैं, इनके बारे में बात होगी। और आपको जो है अच्छे से तैयार हो जाएगा, और जो विदेशी स्रोत है यानी कौन सी चीज़ कहाँ से ली गई है, इसके बारे में इस वीडियो में बात होगी। ठीक है, लिखा है पहला पॉइंट, भारतीय संविधान 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में बन करके तैयार हुआ था। बिल्कुल सही बात है, और यही एग्जाम में पूछा भी जा सकता है कि भारतीय संविधान कितने वर्षों में तैयार हुआ था। 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन में बन करके तैयार हुआ था। ठीक है, देखिए, संविधान सभा की प्रथम बैठक जो है 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, और इनके अध्यक्ष जो थे, जो कि अस्थाई अध्यक्ष थे, ये थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। आपसे पूछेगा कि संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी थे। ठीक है, और प्रथम बैठक संविधान की कब हुई थी, 9 दिसंबर 1946 को। द्वितीय बैठक हुई थी 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की, और इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, और ये स्थायी अध्यक्ष थे। तो पूछा जा सकता है कि संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। संविधान सभा के कुल 11 अधिवेशन हुए थे। संविधान बन करके यानी अंगीकृत हुआ था 26 नवंबर 1949 को। एग्जाम में पूछा जाएगा कि जो हमारा संविधान है वो बन करके कब तैयार हुआ था, तो 26 नवंबर 1949 को बन करके तैयार हुआ था, यानी अंगीकृत हुआ था। संविधान सभा की अंतिम बैठक जो है आपकी कब हुई थी, 24 जनवरी 1950 को। भारतीय संविधान लागू कब हुआ, 26 जनवरी 1950 को। इन पॉइंट्स को ध्यान रखिएगा, ये एग्जाम में काफ़ी बार पूछे गए हैं। ठीक है, तो प्रथम बैठक कब हुई थी, 9 दिसंबर 1946 को। प्रथम अध्यक्ष थे आपके डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, जो कि अस्थायी अध्यक्ष थे। दूसरी बैठक हुई थी 11 दिसंबर 1946 को, जिसके अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। हमारा संविधान अंगीकृत हुआ था 26 नवंबर 1949 को। अंतिम बैठक हुई थी 24 जनवरी 1950 को। भारतीय संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को। संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे, संविधान सभा में कुल 389 यानी 389 सदस्य थे। इस पॉइंट को एकदम ध्यान रखिएगा। ठीक है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, ये एग्जाम में काफ़ी बार पूछा भी गया है। लिखा है संविधान निर्माण के समय कौन सी चीज़ें थीं। देखिए, जब संविधान बन करके तैयार हुआ था ना 26 नवंबर 1949 को, तो उसमें 395 अनुच्छेद, कितने, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ थीं। ठीक है, और 22 भाग थे। ठीक है, वर्तमान में अनुसूचियों की संख्या कितनी है, 12 है। ठीक है, यानी 4 अनुसूचियाँ ज़्यादा हो गई हैं, और आपके जो अनुच्छेद हैं ये 440 से अधिक हैं। ठीक है, इस चीज़ को एकदम ध्यान रखिएगा। देखिए, नोट्स लेने के लिए आप मुझे इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, आपको इसी प्रकार से मिल जाएंगे नोट्स। देखिए, तो ये बातें समझ में आ गई होंगी। अब बात कर लेते हैं समितियों के बारे में, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण एग्जाम में काफ़ी बार पूछी गई हैं। प्रारूप समिति ऐसी समिति है जो एग्जाम में काफ़ी बार पूछी गई है कि इसके अध्यक्ष कौन थे, तो बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, और इसका गठन 29 अगस्त 1947 को हुआ था। इसमें सदस्य थे 7,
और अध्यक्ष भी जुड़े हुए थे, यानी एक अध्यक्ष और 6 सदस्य थे। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी। ठीक है, और इसमें सदस्य टोटल थे 7, एक आपके अध्यक्ष और 6 आपके अन्य सदस्य। लिखा है अन्य सदस्य में कौन कौन आते हैं, एन गोपाला स्वामी अयंगर, अलादी कृष्णा स्वामी अय्यर, के एम मुंशी, मोहम्मद सादुल्ला, बी एल मित्रा और डी पी खेतान। ठीक है, बाद में जो है बी एल मित्रा के स्थान पर एन माधव राव आ गए, उसके बाद डी पी खेतान के स्थान पर टी टी कृष्णाचारी आ गए। आपको इतना ध्यान रखना है कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। ठीक है, देखिए संघ समिति और संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू जी, चाचा नेहरू। एग्जाम में संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष बहुत ही बार पूछा गया है, इस चीज को ध्यान रखिएगा, तो कौन है, जवाहरलाल नेहरू। प्रारूप समिति के अध्यक्ष भीमराव अंबेडकर जी। अगला है संचालन समिति के अध्यक्ष और प्रक्रिया नियम समिति के अध्यक्ष कौन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, जो कि कहाँ के रहने वाले हैं, बिहार के रहने वाले थे। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। और ये हमारे प्रथम कौन है, राष्ट्रपति हैं, राजेंद्र प्रसाद जी हमारे प्रथम राष्ट्रपति हैं। संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू, संचालन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। देखिए संघीय के तो नेहरू जी हैं और प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल लौह पुरुष जी हैं। मूल अधिकार समिति के अध्यक्ष सरदार पटेल जी, अल्पसंख्यक और जनजात समिति के अध्यक्ष आपके पटेल जी ही हैं। एग्जाम में प्रांतीय संविधान समिति के बारे में काफी बार पूछा गया है, इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, भीमराव अंबेडकर जी। संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे, जवाहरलाल नेहरू। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे, वल्लभ जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। संचालन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। तो इन पॉइंट्स को ध्यान रखिएगा। लिखा है कैबिनेट मिशन के सदस्य कौन थे, 3 सदस्य थे। ठीक है, कैबिनेट मिशन हमारा भारत आया था ब्रिटेन से, तो उसमें 3 सदस्य थे, कौन कौन थे, पैथिक लॉरेंस, स्टेफोर्ड क्रिप्स और ए बी एलेक्जेंडर। इनको ध्यान रखिएगा। लिखा है तदर्थ झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार निम्न में से कौन है, बी एन राव। तो इन पॉइंट्स को ध्यान रखिएगा। ठीक है, ज्यादा नहीं पढ़ना है क्योंकि अगर संविधान पढ़ने लगेंगे तो फिर यूपी टेट का एग्जाम आपका हो गया, 2-4 क्वेश्चन आते हैं उसके लिए पूरा रामायण पढ़ेंगे तो फिर एकदम गड़बड़ हो जाएगा, तो इसीलिए आप नोट्स ले सकते हैं मुझसे। देखिए अंतरिम सरकार के मंत्री और मंत्रालय, यानी 1946 में एक अंतरिम सरकार बनाई गई थी कि भारत का संचालन कैसे होगा और इसके मंत्री कौन होंगे, तो 1946 में सरकार का गठन किया गया। तो अंतरिम सरकार में कौन कौन से मंत्री थे, देखिए आसफ अली को रेल मंत्रालय दिया गया, ये रेलवे मंत्री। राजन प्रसाद जी कौन थे, खाद्य एवं कृषि मंत्री। जगजीवन राम जी श्रम मंत्री। सी राजगोपालाचारी जी शिक्षा मंत्री थे। जॉन मथाई जी उद्योग और आपूर्ति मंत्रालय इनके पास था। सी एच भाभा के पास कारखान एवं बंदरगाह मंत्रालय था। ठीक है, बलदेव सिंह के पास रक्षा मंत्री यानी रक्षा मंत्रालय। सरदार पटेल जी के पास गृह सूचना व प्रसारण मंत्रालय था। पंडित जी के पास यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू के पास विदेश राष्ट्रमंडल संबंधी मंत्रालय, यानी विदेश मंत्री नेहरू जी थे। अब इसमें से पूछा सबसे ज्यादा कौन जाता, मैं आपको बताता हूँ। देखिए पूछा जाएगा शिक्षा मंत्री सी राजगोपालाचारी। ठीक है, उसके बाद रक्षा मंत्री पूछे जाते हैं। श्रम मंत्री आपके बहुत ही बार पूछे गए हैं कि श्रम मंत्री कौन है, जगजीवन राम जी। और आपके रेलवे मंत्री, खाद्य एवं कृषि मंत्री, ये एग्जाम में काफी बार पूछे गए हैं। देखिए अगले जो पॉइंट्स हैं बहुत ही गजब के हैं। देखिए लिखा है संविधान की आत्मा, संविधान की आत्मा किसे कहते हैं, उद्देशिका को यानी प्रस्तावना को। उद्देशिका को राजनीतिक जन्मपत्री किसने कहा है, के एम मुंशी ने। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है किसे, देखिए संविधान की आत्मा प्रस्तावना है,
लेकिन अगर पूछा जाए कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा किसे कहा है, तो संवैधानिक उपचारों के अधिकार अनुच्छेद 32 को। किसे कहा है? अनुच्छेद 32 को। फिर लिखा है, संविधान को पवित्र दस्तावेज किसने कहा है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। संविधान निर्माता कौन है? एग्जाम में आएगा तो आपको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ही लगाना है। देखिए, ये जो टॉपिक है संविधान के स्रोत, यानी कौन सी चीज़ कहाँ से ली गई है, एग्जाम में काफ़ी बार पूछी गई है। लिखा है, भारतीय संविधान के अधिकांश उपबंध भारत शासन अधिनियम 1935 और विश्व के कई देशों के संविधान से लिए गए हैं। यानी जो है, भारतीय लोग वैसे भी दूसरी कुछ चीज़ें जो है फटाक से ग्रहण कर लेते हैं, वो जो अच्छी होती है उनको भी और जो बुरी होती है उनको भी। ठीक है, अगर हमारा दोस्त जो है सिगरेट पीता है तो क्या करेंगे? सोचेंगे लाओ हमहूँ एक पी लें। अगर गुटखा खाता है तो वो भी करेंगे। ठीक है, अगर हमारा दोस्त जो है सिविल सर्विस की तैयारी कर रहा है तो सोचेंगे लाओ हम भी पढ़ लें। तो नकल करने में भारत जो है बड़ा नंबर वन है। तो आइए जानते हैं संविधान का स्रोत, यानी कौन सी चीज़ कहाँ से ली गई है। सबसे पहले बात आती है, देखिए जितने भी IMP मैंने मार्क किए हुए हैं उनको रट्टू तोता जैसे रट लेना है। देखिए, सबसे पहले आता है USA, संयुक्त राज्य अमेरिका। यहाँ से कौन कौन सी चीज़ें ली गई हैं? उद्देशिका का विचार, न्यायिक पुनराविलोकन, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, मूल अधिकार, उपराष्ट्रपति का पद और राष्ट्रपति पर महाभियोग। सबसे ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाएगा मूल अधिकार। मूल अधिकार कहाँ से लिया गया है? USA से। कहाँ से? USA से। राष्ट्रपति पर महाभियोग? USA से। न्यायिक पुनराविलोकन? संयुक्त राज्य अमेरिका से। तो ये पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं, मूल अधिकार एग्जाम में काफी बार पूछा गया है। अगला है ब्रिटेन से। भाई ब्रिटेन का राज ही था, तो ब्रिटेन की ही बहुत सारी चीज़ें जो हैं आई हैं हमारे देश में। लिखा है, संसदीय प्रणाली, विधि का शासन और एकल नागरिकता, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये आपको याद रखने हैं और ये एग्जाम में काफी बार पूछे गए हैं। ब्रिटेन से एकल नागरिकता, मूल अधिकार आपका USA से लिया गया है। USA से कौन और कौन लिया गया है? न्यायिक पुनराविलोकन, राष्ट्रपति पर महाभियोग। ठीक है, और उसके अलावा ब्रिटेन से क्या क्या लिया गया है? मंत्रिमंडलीय प्रणाली, द्विसदनीय प्रणाली, विधायी प्रक्रिया, संसदीय विशेषाधिकार, परमाधिकार। तो आपको इसमें से याद रखना है, एकल नागरिकता कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन से। संसदीय शासन प्रणाली? ब्रिटेन से। फ्रांस से क्या लिया गया है? गणतंत्र प्रणाली। देखिए, फ्रांस में क्या हो गए? गणतंत्र में फंस गए, इस तरीके से याद रखिएगा। गणतंत्र में फंस गए, इस तरीके से याद रखिएगा। अब ब्रिटेन में एक नागरिक, इस तरीके से याद रखिएगा। रूस की बात करें, यानी पूर्व सोवियत संघ रूस, तो यहाँ से मूल कर्तव्य लिया गया है, प्रस्तावना में न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, ये भी पॉइंट्स जोड़े गए हैं, यानी शब्द लिए गए हैं। ठीक है, और बात करें, देखिए कनाडा से। कनाडा से लिखा है, अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र में निहित, ये पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण है, एग्जाम में पूछा जाएगा कि अवशिष्ट शक्तियाँ किसके पास रहती हैं। तो अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र के पास हैं, ना कि राज्य के पास। तो कनाडा से, सशक्त संघ के साथ संघीय व्यवस्था, केंद्र द्वारा राज्यपालों की नियुक्ति, उच्चतम न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णयन, और अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास रहेंगी, ये कहां से लिया गया है? कनाडा से। कान में अवशिष्ट, जो कान में जो है हमारी गंदगी होती है उसको अवशिष्ट मान लीजिए, तो कान में क्या है? अवशिष्ट। अब लिखा है आयरलैंड। आयरलैंड से राज्य के नीति निर्देशक तत्व लिए गए हैं, राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति, राज्यसभा में कुछ सदस्यों का नामांकन। तो ये कहाँ से लिया गया है? एग्जाम में सबसे बार पूछा गया है कि राज्य के नीति निदेशक तत्व। तत्व कहाँ से लिए गए हैं? ये लिए गए हैं आयरलैंड से। अगला है संविधान संशोधन प्रक्रिया, ये कहाँ से लिया गया है? दक्षिण अफ्रीका से। देखिए, जो IMP मार्क है ना उसको एकदम रट लेना है, बाकी नोट्स जो है जिन्होंने ले लिए हैं उनको प्रोवाइड करा दिए गए हैं ये। और मेरा नंबर है 78 49 88 0 187।
आप इस पर मैसेज करके बाल विकास यानी CDP और EVS के नोट ले सकते हैं, ठीक है। क्योंकि समय कम है, पढ़ना आपको ज़्यादा है, आपको समझ में नहीं आ रहा कि क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें, तो उसके लिए मेरे नोट्स आपको बहुत ही हेल्प करेंगे। फिर उसके बाद आता है हमारा जापान। जापान से लिया गया है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। देखिए, गणतंत्र प्रणाली फ्रांस से, और आपातकालीन उपबंध आपके कहाँ से लिए गए हैं? आपातकाल में क्या होता है, हम लोग सभी जगह कहीं नहीं जाते हैं, और घर में जो है क्या हो जाते हैं, जम जाते हैं। तो जम जाते हैं मतलब जर्मनी, कहाँ से, जर्मनी से। तो आपातकालीन उपबंध आपका जर्मनी से लिया गया है। देखिए, थोड़ा सा पॉइंट लिखे हैं, और ये ऑस्ट्रेलिया रह गया। देखिए, ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है समवर्ती सूची, संयुक्त बैठक, उद्देशिका की भाषा, व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता। तो समवर्ती सूची आपका ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। लिखा ये वाला पॉइंट, भारतीय संविधान में आपात उपबंध जर्मनी के वाइमर संविधान से लिया गया है। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में सर्वोच्च संविधान, बिल्कुल। विश्व का प्रथम लिखित संविधान कौन सा है? USA। कौन सा है? USA है। लिखा है तीसरा पॉइंट, राष्ट्रपति के विचारार्थ राज्यपाल द्वारा विधेयक सुरक्षित रखने का उपबंध लिया गया है, कहाँ से? कनाडा से। कुछ पॉइंट आपको याद रखने, मूल अधिकार USA से, एकल नागरिकता ब्रिटेन से, मूल कर्तव्य USSR से यानी रूस से, समवर्ती सूची आपका ऑस्ट्रेलिया से, ठीक है। इन पॉइंट को ध्यान रखा है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व आपका कहाँ से है? आयरलैंड से लिया गया है। राष्ट्रपति पर महाभियोग आपका USA से लिया गया है। तो इन पॉइंट्स को आप लोग ध्यान रखिएगा, एग्जाम में ये काफी बार पूछे गए हैं। देखिए, स्वर्ण सिंह एक समिति थी जिसकी अनुशंसा पर जो है मूल कर्तव्य को भारतीय संविधान में जोड़ा गया था, ठीक है। अभी जो है आगे बात करेंगे पॉइंट्स पर, तो आपको ज़्यादा समझ में आ जाएगा। मतलब अभी जो है अनुसूची और भाग पर बात करेंगे ना, तो आपको समझ में आ जाएगा कि नागरिकता कहाँ है, मूल अधिकार कहाँ है, मौलिक कर्तव्य कहाँ, किस भाग में है, किस अनुच्छेद के बीच में है। ये भी आपको शॉर्ट में याद रखना है, ना कि उसके अंदर डिटेल में जाना है। देखिए, हमारा जो संविधान था बन करके तैयार हुआ था 26 नवंबर 1949 को, ठीक है। प्रथम बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को। द्वितीय बैठक 11 दिसंबर 1946 को हुई थी, और प्रथम संविधान सभा जब हुई थी, मतलब बैठक हुई थी, तो इसके अध्यक्ष थे आपके सच्चिदानंद सिन्हा जी, जो कि अस्थायी अध्यक्ष थे। उसके बाद जब दूसरी बैठक हुई, उसमें स्थायी अध्यक्ष बनाए गए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। देखिए, प्रस्तावना बहुत बड़ी है, आप पढ़ सकते हैं, तो इसको पढ़ेंगे नहीं, आप पढ़ सकते हैं, लेकिन प्रस्तावना में एग्जाम में पूछा क्या जाएगा वो मैं आपको बताता हूँ। लिखा है समाजवादी पंथ निरपेक्ष अखंडता, ये जो शब्द हैं प्रस्तावना में, लिखा है हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एदत द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मा अर्पित करते हैं। यानी हमारा जो संविधान था ये 26 नवंबर 1949 को बन करके तैयार हुआ था, ठीक है। और प्रस्तावना में जो वर्ड्स हैं आपके, समाजवादी पंथ निरपेक्ष और अखंडता, ये 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में जोड़े गए थे, ठीक है। तो ये आपकी प्रस्तावना थी, मैंने आपको पढ़ दिया है। पहले तो नहीं पढ़ना चाहता था, लेकिन पढ़ना जरूरी है। अब आती है अनुसूचियों की बात। देखिए, अनुसूचियां मैं आपको ऐसे बताऊंगा कि एकदम आपको याद हो जाएगा। 12 अनुसूचियां हैं, कितनी हैं? 12 अनुसूचियां, ठीक है। पहले थी 8 अनुसूचियाँ, बाद में 4 और जोड़ दी। वैसे भी जोड़ने तोड़ने में हमारा भारत बहुत ही नंबर 1 है, ठीक है। अब देखते हैं पहली अनुसूची। देखिए, पहली अनुसूची क्या होगी? राज्यवा संघ राज्य क्षेत्र। तो पहले क्या आएगा? पहले कोई जगह आएगी, तो पहले नंबर पर जगह, ठीक है।
आती है, यानी पहले नंबर पर राज्य आएगा, पहले नंबर पर देसी तो आएगा ना, तो उसमें राज्य और संघ राज्य होंगे ना, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। पहले नंबर पर कौन आएगा? देश। देश में क्या होते हैं? राज्य और संघ राज्य क्षेत्र। दूसरे नंबर पर क्या होता है? उसमें जो है जो आपके अधिकारी होंगे उनको उनको जो है आकर्षित करने के लिए वेतन की बात होगी। तो दूसरे नंबर पर आता है राष्ट्रपति तथा अन्य उच्च अधिकारियों के वेतन। ठीक है, मतलब मान लीजिए कोई फर्म है तो व्यक्ति उसकी ओर आकर्षित कब होगा? जब उसमें वेतन वेतन अच्छा मिलेगा। तो पहले तो क्षेत्र आ गया, फिर क्या आ गया? वेतन। फिर तीसरे नंबर पर आ जाएगा शपथ या प्रतिज्ञान। मतलब पहले तो घर बनवा लिया, मतलब पहले तो आपका देश आ गया, फिर उसमें जो है काम करने वाले व्यक्ति जो वेतन पाएंगे वो आ गए। तीसरे नंबर पर आ गए शपथ कि हम जो काम करेंगे वो बहुत ही सही तरीके से करेंगे, अन्यथा स्वयं का उत्तरदायित्व तो होगा। फिर चौथे नंबर पर लिखा है राज्यसभा में स्थानों का आवंटन। ठीक है, पांचवें नंबर पर आपका आ जाता है, यानी पांचवें अनुसूची में आता है अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उपबंध। ठीक है, छठवीं अनुसूची में आता है असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्य के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में उपबंध। जनजाति यानी जो जनजातियां हैं उनके बारे में, जो असम, मेघालय, त्रिपुरा और मेघालय में रहती हैं, उनके मिजोरम में रहती हैं, उनके शासन प्रबंध के बारे में बात करी गई है छठवीं अनुसूची में। एग्जाम में सबसे ज़्यादा बार पूछा जाता है कि दूसरी अनुसूची और तीसरी अनुसूची। तो वेतन की बात दूसरी में, शपथ की बात तीसरी में, चौथी में राज्यसभा में स्थानों का आवंटन। ठीक है, फिर आता है सातवीं अनुसूची। ठीक है, इसमें जो है संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची के बारे में बताया गया है। देखिए, संघ सूची, समवर्ती सूची, राज्य सूची में केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन किया गया है। सातवीं अनुसूची में संघ सूची पर केवल कौन विषय बना सकता है? कौन बना सकता है? केंद्र बना सकता है। राज्य सूची में राज्य और समवर्ती सूची में राज्य और केंद्र दोनों बना सकते हैं। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। देखिए, जो तीन अनुसूचियां हैं जब बनी थी तो उसमें कितने विषय थे और वर्तमान में कितने विषय हैं, इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। संघ सूची जब बनी थी तो उसमें 97 विषय थे और वर्तमान में इसमें 100 विषय हैं। राज्य सूची जब बनी थी तो 66 थे, वर्तमान में 61 हैं। समवर्ती सूची में जब बनी थी तो 47, वर्तमान में 52 हैं। देखिए, संघ सूची में कुछ महत्वपूर्ण विषय हैं जैसे रेल, डाक और तार, इनकी बात की गई है, और सुरक्षा, युद्ध, वायु आक्रमण, इनके बारे में संघ सूची में बात हुई है। अगर राज्य सूची की बात करें तो पुलिस, जेल और कृषि, ये आता है। और समवर्ती सूची में शिक्षा, विवाह और तलाक, इनके बारे में बात किया गया है। एग्जाम में पूछा जाएगा कि सातवीं अनुसूची में किसका वर्णन है, तो सूचियाँ जो हैं संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, इनके बारे में वर्णन है। लिखा है आठवीं अनुसूची, आठवीं अनुसूची में जो है भाषाओं का वर्णन है। भाषाएं कितनी हैं? 22 भाषाओं का वर्णन मिलता है। नवीं अनुसूची, प्रथम संविधान संशोधन 1951 के द्वारा नवीं अनुसूची जोड़ी गई। इसमें लिखा है कुछ अधिनियमों और विनियमों का विधि मान्यकरण। अब दसवीं अनुसूची जो आती है, दसवीं मतलब 10 बार दल बदल, यानी दल बदल के कानून का जो वर्णन है वो दसवीं अनुसूची में है। कौन सी अनुसूची में है? दसवीं अनुसूची में है। और दसवीं अनुसूची 52वें संविधान संशोधन, नहीं 52, 52, 52वें संविधान संशोधन द्वारा 1985 में जोड़ी गई। 11वीं अनुसूची की भी बात करें तो 73वें संविधान संशोधन द्वारा 1993 में जोड़ी गई थी, और इसमें पंचायत से संबंधित है, यानी पंचायत जो ग्राम पंचायतें हैं उनके बारे में वर्णन मिलता है। ठीक है, और पंचायत से संबंधित प्रावधान है, और कार्य करने के लिए 29 विषय दिए गए हैं। 12वीं अनुसूची 74वें संविधान संशोधन द्वारा 1993 में जोड़ी गई, नगर पालिका से संबंधित जो है इसमें उपबंध है, और कार्य करने के लिए इनको 18 विषय प्रदान किए गए हैं। सबसे महत्वपूर्ण अनुसूचियां कौन सी हैं? एक बार मैं आपको बता देता हूं, इन अनुसूचियों को जरूर याद कर लीजिएगा। वैसे 12 अनुसूचियां हैं, इनको याद करने में टाइम नहीं लगेगा। देखिए, सबसे ज़्यादा बार पूछा जाएगा कि आठवीं अनुसूची में क्या है? भाषाएं हैं। समवर्ती सूची, संघ सूची और राज्य सूची का वर्णन सातवीं अनुसूची में है।
नवीं अनुसूची महत्वपूर्ण नहीं है लेकिन पूछा जा सकता है, क्योंकि प्रथम संशोधन के द्वारा 1991 में नवीं अनुसूची जोड़ी गई थी। 10वीं अनुसूची दल बदल, 10 बार दल बदल। 11वीं अनुसूची और 12वीं अनुसूची यानी ग्राम पंचायत किसमें आता है? 11वीं में, और 12वीं में नगर पालिका। तो इन पॉइंट्स को ध्यान रखिएगा। अब बात आती है राष्ट्रीय प्रतीक, ये तो मैं भूल ही गया था। राष्ट्रीय प्रतीक के बारे में जो है एग्जाम में काफ़ी बार पूछा जाता है, पूरा डिटेलिंग से बात करेंगे इस वीडियो में और मज़ा आ जाएगी आप। ठीक है, लिखा है राष्ट्रीय प्रतीक। सबसे पहले बात होगी हमारा राष्ट्रीय ध्वज कौन है? तिरंगा। ठीक है, और पिंगली वेंकैया ने जो है ये तिरंगा का जो आपका प्रारूप है ना वर्तमान का, ये बनाया था। और हमारा जो राष्ट्रीय ध्वज है इसकी लंबाई और चौड़ाई में अनुपात 3:2 है। कितना है? 3:2 है। और हमारा तिरंगा 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। किसके द्वारा? भारतीय संविधान सभा के द्वारा। देखिए तीन रंग हैं, सभी को पता है। सबसे ऊपर केसरिया, ये साहस बलिदान का प्रतीक है। सफ़ेद रंग शांति सच्चाई का प्रतीक है। हरा रंग उर्वरता और समृद्धि का प्रतीक है। चक्र जो है नीले रंग का होता है। तीलियां 24 होती हैं। ठीक है, ये किसका प्रतीक है? प्रगति एवं न्याय का। और लिया कहाँ से गया है? अशोक स्तंभ सारनाथ से चक्र आपका। तो राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा पिंगली वेंकैया जो है इसके मतलब रचना इन्होंने करी थी, और तिरंगा अपनाया गया 22 जुलाई 1947 को। राजचिन्ह, राजचिन्ह क्या है? अशोक का सिंह स्तंभ सारनाथ में है। लिखा है अंकित शब्द है सत्यमेव जयते। सत्यमेव जयते जो है मुंडको उपनिषद में सत्यमेव जयते का वर्णन है। एग्जाम में पूछा जाएगा सत्यमेव जयते का उल्लेख कहाँ है? मुंडको उपनिषद में। और राजचिन्ह अशोक का सिंह स्तंभ कब अपनाया गया? संविधान सभा द्वारा 26 जनवरी 1950 को। सिंगों की संख्या 4 है। नीचे अंकित चिन्ह कौन कौन से हैं? दाएं पर बैल, मध्य में अशोक चक्र, बाएं पर घोड़ा। ठीक है, आपने ध्यान नहीं दिया होगा लेकिन देखिएगा जो ये चिन्ह है हमारा। ठीक है, अशोक स्तंभ का जो चिन्ह है, अशोक का सिंह स्तंभ का जो चिन्ह है, उसमें नीचे देखेंगे दाएं और आपको बैल मिलेगा, बीच में गोला चक्कर है अशोक का, अशोक चक्र है, उसके बाएं ओर जो है आपको घोड़ा मिलेगा। और इनको कौन नहीं जानता है? लिखा है राष्ट्रगान हमारा कौन है? जनगणमन। कहाँ से लिया गया? गीतांजलि से। ये है हमारे कौन? गुरु रवीन्द्रनाथ टैगोर जी। अपनाया गया 24 जनवरी 1950 को। प्रथम गायन 27 दिसंबर 1911 को कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में हुआ था। गायन की अवधि 52 सेकंड है। संक्षिप्त में आप 20 सेकंड में इसको गा सकते हैं। एग्जाम में पूछा गया है कि जनगणमन राष्ट्रगान है और इसके रचयिता कौन हैं? अंबेडकर जी, गुरुदेव। ठीक है, भारतीय संविधान सभा द्वारा कब अपनाया गया? 24 जनवरी 1950 को। पहली बार कब गाया गया? कलकत्ता अधिवेशन, कांग्रेस के अधिवेशन में 1911 को। ठीक है, अवधि कितनी होती है? 52 सेकेंड। ये हमारे हैं राष्ट्रगीत, ये जो दिख रहे हैं आपको फोटो में, ये हैं बंकिम चंद्र चटर्जी। बंकिम चंद्र चटर्जी हैं और इन्होंने राष्ट्रगीत लिखा वंदे मातरम, सभी को पता होना चाहिए। इसके रचयिता बंकिम चंद्र चटर्जी। अपनाया गया भारतीय संविधान सभा द्वारा 24 जनवरी 1950 को। प्रथम गायन 1896 को हुआ था और इसका समय होता है 1:05 का। ठीक है, इस चीज़ को एकदम ध्यान रखिएगा। और देखिए राष्ट्रगान 24 जनवरी 1950 और राष्ट्रगीत 24 जनवरी 1950 दोनों जो है 24 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान सभा द्वारा अपनाए गए थे। फिर उसके बाद आता है राष्ट्रीय पंचांग। शक संवत पर आधारित है, ग्रेगोरियन कैलेंडर के साथ। अपनाया गया 22 मार्च 1957 को। प्रथम माह जो है चैत्र होता है, अंतिम माह फागुन होता है। ठीक है, ये हमारे कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी। और राष्ट्रीय नदी कौन सी है? गंगा। घोषित कब करी गई? 2008 में। ठीक है, नोट ले सकते हैं ये सभी। लिखा है राष्ट्रीय पशु बाघ, सभी को पता है। राष्ट्रीय पक्षी मोर, सभी को पता है। राष्ट्रीय पुष्प कमल। राष्ट्रीय विरासत पशु हाथी। राष्ट्रीय फल आम। राष्ट्रीय मुद्रा रुपया। राष्ट्रीय वृक्ष बरगद। और राष्ट्रीय जलीय जीव डॉल्फिन है, सभी को पता होगा। और हमारा उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी मोर। ठीक है, राजकीय पशु बारहसिंघा। और राजकीय वृक्ष अशोक है। ठीक है, राजकीय पुष्प कौन सा है? पलाश है।
इन पॉइंट्स को आप लोग एकदम ध्यान रखिएगा, राजकीय और राष्ट्रीय में आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है? इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। अब बात कर लेते हैं भारतीय संविधान के भाग। देखिए, मैंने आपको बताया है भारतीय संविधान में कितने भाग हैं, 22 भाग हैं। इसमें से कुछ ही एग्जाम में पूछे जाते हैं, उनको मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, प्रथम भाग में संघ और उसका राज्य क्षेत्र अनुच्छेद 1 से 4। फिर आता है नागरिकता, नागरिकता भाग 2 में है, संविधान के भाग 2 में है नागरिकता। ब्रिटेन से लिया गया है, कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन से लिया गया है और ये 5 से 11 अनुच्छेद के बीच में पाया जाता है। भाग 3 में मूल अधिकार, जो कि यूएसए से लिया गया है, मूल अधिकार 12 से 35 अनुच्छेद के बीच में है, एग्जाम में काफी बार पूछा गया है। भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व, तो अनुच्छेद 36 से 51 के बीच में, और ये आयरलैंड से लिए गए हैं। भाग 4 का में मूल कर्तव्य हैं और रूस से लिए गए हैं, अनुच्छेद 51 के का में जो है ये आपको मिलेंगे, ठीक है? भाग 5 में संघीय व्यवस्था के बारे में बताया गया है आपको। ये जो 4 ऊपर के पॉइंट्स हैं, यानी नागरिकता कहाँ से लिया गया, ब्रिटेन से, अनुच्छेद इसका है 5 से 11, मूल अधिकार यूएसए से 12 से 35 अनुच्छेद है, भाग 4 राज्य के नीति निर्देशक तत्व अनुच्छेद 36 से 51 है, भाग 4 का मूल कर्तव्य स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर जो है ये जोड़ा गया था 51 के काम में, ठीक है? इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, ठीक है? और 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जो है मूल कर्तव्य को जोड़ा गया था भारतीय संविधान में, ठीक है? इन पॉइंट्स को एकदम ध्यान रखिएगा, एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है, ठीक है? बाकी संघ के अंदर जो है अध्याय 1, 2, 3, 4, 5 आते हैं। इसके अंतर्गत कार्यपालिका, संसद, राष्ट्रपति के विधायी अधिकार, संघीय न्यायपालिका, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, तो इनका वर्णन है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अनुच्छेद 148 से 151 के बीच में है। भाग 4 में राज्य आता है, भाग 5 में संघ, भाग 5 में संघ, भाग 4 में राज्य आता है, यही ध्यान रखना, ज़्यादा नहीं याद रखना है। और लिखा है भाग 7 में प्रथम अनुसूची के भाग ख में राज्य निरसित, ठीक है? भाग 7 में ये है, भाग 8 में संघ राज्य क्षेत्र, भाग 9 में पंचायत, एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। और भाग 9 के काम में नगर पालिकाएँ, क्या? नगर पालिकाएँ। भाग 10 में अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र, भाग 11 में संघ व राज्य के बीच संबंध, ठीक है? संघ व राज्य के बीच संबंध, देखिए 5 में संघ, 6 में राज्य, 7वें में याद नहीं रखना है, 9वें याद रखना है पंचायतें आती हैं, और 10वां याद रखना है अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र, 11वें में संघ और राज्य के बीच संबंध आता है, ठीक है? भाग 12 में वित्त, संपत्ति, संविधाएं और वाद विवाद। भाग 13 में भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम। भाग 14 में संघ और राज्य के अधीन सेवाएं। भाग 15 निर्वाचन। भाग 17 राजभाषा, राजभाषा का अनुच्छेद है 343 से 351, और 15 में निर्वाचन है 324 से 329 के का तक, ठीक है? उसके बाद जो है आपका आ जाता है आपातकालीन उपबंध, जो कि जर्मनी से लिया गया है, भाग 18 में है, ठीक है? अनुच्छेद 352 से 360। और उसके बाद जो है देखिए, अभी तो ये एक जनरल सा पॉइंट हुआ है, 2-4 वीडियो में आपका संविधान खत्म हो जाएगा, ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो भाग 10 में संविधान संशोधन की प्रक्रिया, 368 अनुच्छेद है, ठीक है? इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। और भाग 21 में अस्थायी, संक्रमणीय और विशेष उपबंध, और भागा सॉरी 22वां भाग है आपका, संक्षिप्त नाम प्रारंभ हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन। देखिए, एक पॉइंट ये इसमें सभी पॉइंट्स जो थे मैंने आपको इम्पोर्टेंट टिक कर दिए हैं, अगर आप नोट्स लेंगे तो आपको जो है पता हो जाएगा कि आपको इसमें पढ़ना क्या है। तो आई थिंक आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। एक प्रश्न आपके लिए, आपको बताना है कि मूल अधिकार जो है भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद में है, कौन से अनुच्छेद में है और किस भाग में वर्णित है। तो मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।